अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। 21 सितंबर को वो शपथ लेंगी। आप विधायकों ने आतिशी को अपना नेता चुना था, जिसके बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राष्ट्रपति को 21 सितंबर को आतिशी और उनके मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण का प्रस्ताव भेजा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जो कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं उनमें गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत का नाम सबसे आगे है। अगले 3 से 4 महीनों में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी कैबिनेट में एक दलित चेहरा जबकि दूसरा पूर्वांचल के चेहरे को शामिल कर सकती है। दिल्ली में इनके मतदाता बड़ी संख्या में हैं। सूत्रों की माने तो पूर्वांचल के चेहरे के रूप में बुराड़ी से विधायक संजीव झा और राजेंद्र नगर से विधायक दुर्गेश पाठक के नाम पर विचार हो रहा है। संजीव झा बुराड़ी से 3 बार विधायक बन चुके हैं और पार्टी के प्रवक्ता के रूप में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। वहीं दुर्गेश पाठक लगातार पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते रहे हैं। नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सत्ता लाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मंत्रिमंडल में दलित चेहरे के रूप में कुलदीप कुमार का नाम भी आगे है। कुलदीप कोंडली से विधायक हैं और लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली से आपके उम्मीदवार थे। दलित चेहरे के रूप में दूसरा नाम करोल बाग से विधायक विशेष रवि का है। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी गुरुवार तक मंत्रिमंडल के सभी नामों को फाइनल कर लेगी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर को आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद पार्टी ने आतिशी का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया और उन्होंने एलजी के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया और आप विधायक दल ने आतिशी को अपना नेता चुना तो आतिशी भावुक हो गई थी। आपको सुनवाते हैं क्या कहा था उन्होंने। मैं सबसे पहले दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पर भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूं, शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है आज उससे बहुत ज्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये जरूर कहना चाहती हूं आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने 26-27 सितंबर को विधानसभा का सत्र बुलाया है। विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 23 फरवरी को खत्म होगा और चुनाव भी फरवरी के शुरुआत में होने की संभावना है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन आप संयोजक को एलजी वीके सक्सेना की सहमति के बिना अपने कार्यालय या दिल्ली सचिवालय जाने या फाइलों पर हस्ताक्षर करने से रोक दिया गया था। शराब घोटाले में जमानत पर जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा था कि अब जनता की अदालत में जाऊंगा और फैसला आने तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।